गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपकी मैथ्स की क्लास है थर्सडे को, और आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो बच्चों अपना शुरू करते हैं। आज हम थर्ड लेक्चर मैथ्स का, अपना पेज नंबर खोल लो 34, और चलो काम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये पहले दे रखा है, सबसे पहले ये एक कितने वर्ग हैं, चैप्टर का नाम है कितने वर्ग। वर्ग होता है स्क्वायर, इंग्लिश में, इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। तो देखो ये एक आकृति दे रखी है, फिगर, और इसमें बहुत सारे डॉट बने हुए हैं, तो इनको जोड़ जोड़ के हम स्क्वायर्स बना सकते हैं और रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी कितनी भी आयतें, जितनी भी आयत बना सकते हो बनाओ, जितनी बना सकते हो बनाओ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसी के अंदर बनानी है, ऐसा नहीं इससे बाहर चले जाना है। तो आप ये मापेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो ऐसे देखिए, हम जब करते हैं ऐसे जोड़ जोड़ के, देखो ये एक बड़े वाला बन गया, एक देखो, एक 12 जोड़ के एक आयत, आयत होता है रेक्टेंगल, देखो आयत रेक्टेंगल, एक ये बन गया एक, देखो 12 होने चाहिए हर एक में, 1 2 3 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, एक ये बन गया दूसरा, ये देखो ये इधर भी इसी तरह से 4 सीधे खड़े 3 टेढ़े, एक ये बन गया, एक ये इधर वाला बन गया, 4 और 3 एक बन गया, ये देखो ये 6 6 से 6 से बना, जो 1 2 3 4 5 6 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, एक ये देखो इधर भी बन सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि गिनो इनको, 1 2 3 4 और 5, तुम कितनी आयतें बना पाए, 5 आयत बना पाए हम। तो आप बना के देखना आपसे कितनी बनती हैं, 5 बनती हैं या 5 से कम बनती हैं या कितनी बनती हैं। तो हम अभी 5 आयतें दिख रही हैं इसमें। अब आगे देखिए, यहाँ एक है, यहाँ एक, देखो ये वाली, ये जो ये, यह आयत 12 बराबर बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सबका क्षेत्रफल समान है। हाँ भाई, एक बात ध्यान देना, क्षेत्रफल होता है एरिया, क्षेत्रफल इन सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि सभी में 12 बॉक्सेज हैं, चाहे किसी भी तरह से बना लो। देखो 12 इसमें है, 12 इस वाले में है, 12 इस वाले में है, 12 ऐसे इसमें है और 12 इसमें है, सबका क्षेत्रफल बराबर है। किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है, सबसे छोटा, परिमाप होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर और एरिया में फर्क समझते हो ना, पेरीमीटर यानी कि बार बार की बाउंड्री को जब जोड़ देना उसे पेरीमीटर कहते हैं। तो देखिए सब एक एक बार पेरीमीटर फाइंड करके देख लो, देखो 12 तो नीचे, 12 ऊपर, 12 2 24 25 और 26, बड़े वाले का 26 है, इसका देखो इस 4 और 3 वाले का, 4 और 3 4 2 8 3 3 6, 8 और 6 14, इसका भी 14 ही होगा क्योंकि ये भी 4 और 3 से ही बना है। और ये देखो 6 2 वाले का, 6 6 12 6 6 12, 1 2 3 4, 12 और 4 16, तो सबसे कम किसका हुआ, 14, और सबसे ज़्यादा 26। किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, इस वाले का, ये जो ये बिल्कुल सीधा एक एक को जोड़ के बना है ना, इसका परिमाप सबसे ज़्यादा है 26। किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है, सबसे छोटा इसका है, 4 और 3 वाले का
14 इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ अब। तो बच्चों ये एक डाक टिकट दे रखी है, इस मजेदार डाक टिकट को देखो। डाक टिकट ए एक सेंटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, देखो ए बी सी ए डी ई एफ, एक सेंटीमीटर के कितने को ढकता है ये आप पूरा भी गिन लो चाहे तो एक एक करके, तो इसमें वो लगेगा समय। 1 2 3 4 5 6 और 3 ये सीधे, 6 3 6 6 12 3 18, कितने वर्ग, 18 वर्ग ढकता है। और डाक टिकट भी 1 2 3 4 4 2 8 8 को ढकता है, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल 18 है, 18 बॉक्सेज, हर बॉक्सेज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, 18 है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना, ये एशन कितने वर्ग को ढकता है, 18 को ढकता है और क्षेत्रफल भी 18 ही है। कौन से दो डाक टिकट और क्षेत्रफल एक जैसा है, तो एक बार भाई सबको फाइंड करके कर लेना आप ऐसे ही। एरिया भी उतना ही होगा जितने बॉक्सेज होंगे उसमें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का हर बॉक्स है। ये देखो 4 2 8 इसका 8 है, 3 3 6 1 2 3 4 4 3 12 12 इसका है, 4 2 2 और 2 टेढ़े सीधे 2 लेटे हुए 2 2 4 इसका है। और इसका देख लो इस एफ वाले का, 1 2 3 4 4 सीधे और 3 लेटे हुए 4 3 12 इसका 12 है। सबको लिख लीजिए ऐसे ही। तो किन दोनों का एक जैसा है, 18 8 6 12 4 12, तो इसका डी का और एफ का दोनों का 12 है, डी एंड एफ। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, मान यानी कि इस क्वेश्चन से ये समझ पूछना चाह रहे हैं कि सबको जोड़ के कितना है, यानी कि हर एक का ए बी सी डी एफ सबको जोड़ दो भाई। 18 8 6 12 4 और 12 जोड़ लो भाई, इनको कितने होते हैं, 12 12 24 10 34 8 34 और 8 42 42 और 18 60 सबका जोड़ के 60 है। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, सबसे छोटे देखो ये सबसे छोटा ये वाला है, 2 2 4 4 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटे डाक टिकट सबसे बड़े डाक टिकट क्षेत्रफल का अंतर कितना है, सबसे बड़ा 18 सबसे छोटा 4, 18 में से 4 गए 14 सेंटीमीटर है, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस ये क्वेश्चन है ये आप खुद करके देखना तब और मजा आएगा, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब ये एक काम सा दे रखा ये और कर लेना, कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एक कर लेना, उसे वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर, मतलब ग्रिड पर रख रही जरूरत नहीं उनको, वैसे चिपका लेना और अपना उनको समझ लेना, अलग अलग चिपका चिपका के देख लेना, ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क किया करो बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा, मेरे पास सबके फ़ोन नंबर्स हैं, अपना होमवर्क कर लेना। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ अब। तो स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 36 पर हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगाना है ठीक है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप या इस किताब के पन्ने का। भाई किताब के पन्ने का ज़्यादा होगा, पैरों की छाप तो छोटी होगी, छोटी बनेगी वो, तो किताब के पन्ने का ज़्यादा होगा। किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट का एक साथ या 100 रुपए का एक नोट, 2 5 रुपए का नोट या 100 रुपए के नोट का कम पूछा है। तो आप नोट देखोगे तो 100 रुपए का बड़ा नोट होता है 5 रुपए से, पर 2 5 के मिल जाएंगे तो 100 से बड़े हो जाएंगे, तो कम 2 5 वाले का ज़्यादा हुआ, 100 वाले का कम हुआ, ठीक है। देखो इसका एक 100 वाले का कम होगा 2 5 वालों से, ठीक है।
₹10 के नोट को जान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग से ज़्यादा है? भाई नोट को देखने से तो पता नहीं चलेगा 100 वर्ग से ज़्यादा है नहीं है, इसको नापना पड़ेगा। तो इसको नाप के देखो, 100 रुपये का जो एक नोट होता है ना, उसको अगर नापोगे तो उसको इस तरह से है, वो चौड़ाई में 6.5 तो और लंबाई में 12.3, 6.3 और 12.3, इनको अगर आप गुणा करोगे तो 12 से 72 ये 100 से कम आएगा, 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा नहीं है, 100 से कम है। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है? क्यों? देखिए आप देखोगे, इनको माप के देखोगे, ये जो ट्रायंगल है ना, ये बराबर से ही है, लगभग बराबर हैं, माड़ा थोड़ा बहुत फर्क है, उसको इतना ध्यान देने इतना मत वो ध्यान दो, यानी कि ट्रायंगल बराबर हैं, बराबर क्षेत्रफल के हैं। तो क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है? क्यों? भाई दिखने में तो ऐसा लग रहा है नीली वाली बड़ी है पीली से, पर ऐसा है नहीं, बराबर हैं दोनों, नहीं ज़्यादा नहीं है। क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है? परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर कर लो भाई इनको, आप ऐसा करो अगर करना चाह रहे हो तो फिर इनको थोड़ा नाप लो एक बार ज़रा, इसकी चौड़ाई है 2.2 और लंबाई है इसकी 2.8, यानी कि 5 और 5, इसका 10 है और इसका 3.5 और इस तरफ करोगे तो ये लगभग 5.5 आएगा, लगभग नहीं ये 5.5 है, ठीक है, 3, 3, 6, 1, 7 और 5, 7, 5, 12, 12.5 इसका 12 है, तो ये भी नहीं है परिमाप से ज़्यादा। क्यों क्यों नहीं है? नहीं है ये। मेरा हाथ कितना बड़ा है? अपने हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर रख कर देखाओ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब आपको एरिया मापना सिखा रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल जो टेढ़ी मेढ़ी वस्तुएं होती हैं उनका। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उससे चलना है हमें अभी आगे के सभी क्वेश्चंस में, ठीक है? तो अपनी हथेली को रखो और इस तरह से अपना हाथ बना लो, जो स्क्वायर पूरे है ना इसके अंदर, उनको तो पूरा गिन लेना, पूरा गिनना ही है, जो आधे से ज़्यादा है ना, देखो जैसे ये है आधे से ज़्यादा है उसको भी पूरा गिन लो, और जो आधे से कम है ना जैसे ये है इसको छोड़ दो, और जो आधा लग रहा हो ना उसको आधा ही मान लो, ठीक है? तो जैसे इसमें हमने ये हाथ बनाया है, इसको हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है, तो जब आप गिनोगे ना इसको इस तरह से एक एक करके, जैसे टिक्के लगे हैं उनको गिनना है, और जो कांटे लगे हैं उनको नहीं गिनना क्योंकि ये आधे से कम है, और कोई अगर आपको बिल्कुल आधा लगे ना उसको आधा ही मान लेना, ठीक है? तो इसको आप जोड़ोगे तो इस हाथ का क्षेत्रफल आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए ना? याद रखना भी आगे ऐसे ही करेंगे, पूरे को पूरा गिनना है, आधे को बिल्कुल आधा आधा गिनना है, आधे से ज़्यादा को पूरा गिनना है और आधे से कम को छोड़ देना है, ये अपना फॉर्मूला है, इससे एक्यूरेट लगभग ठीक सा आएगा, पूरा तो नहीं क्योंकि आड़ी टेढ़ी फिगर होती है, पर इससे लगभग ठीक आ जाएगा। अब देखो तुम्हें कैसे पता चले कि तुम्हारी हथेली बड़ी है तुम्हारे दोस्त की? भाई पता कैसे चलना, इसमें ऐसे ही बना के देख लो जैसे ये बनाया है और एरिया फाइंड कर लो, उससे पता चल जाएगा तुम्हारे हथेली का क्षेत्रफल कितना है। अभी जब आप पता करोगे ना अपनी रख के, तो वहाँ पे इसमें यहाँ पे लिखना है कितना है, जैसे अभी इस बच्चे की का 57 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 57 वर्ग सेंटीमीटर। तुम्हारे दोस्त की इसी तरह से आप अपने दोस्त की भी लिख नाप लेना और उसे लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक आध कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं। मेरे पैर के निशान, तुम्हारे पैर का निशान, किसके पैर का निशान बड़ा है? तुम्हारे तुम्हारे दोस्त का। जैसे हाथ का पता चला वैसे पैर का पता करने के, इस तरह से ये इसको ये पेपर आता है, एक वो पेपर खरीद लो चाहे तो, उस पर अपना पैर रख के पैर छाप देना और ऐसे ही गिनना जैसे मैंने बताया। तुम ये कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो, क्या तुम दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है? भाई बराबर आप पता कर लेना, बराबर हो तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो जिसका किसी का बड़ा हो जाएगा किसी का छोटा हो जाएगा।
देखिए बच्चों अगला पेज खोल लो, पेज नंबर है ये 38। मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है, मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। आई गैंड आईगैंड एक पे मोटी खाल होती है, तो ये कह रहे हैं मेरी कई तहें हैं, कई लेयर्स हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब देखो एक हाथी बना रखा है, मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई हाथी का कितना है, हाथी का भाई हाथी का भी ऐसे नाप लो ग्राफ पेपर पे रख के, मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल। चींटी भी देखो, चींटी को भी अपने पैर के निशान नाप रही है, तो चींटी का भी, चींटी का तो थोड़ा सा ही होगा, अच्छा थोड़ा सा ही होता होगा, होता है। और ये देखो चिड़िया, इसको भी अपना पैर के निशान का क्षेत्रफल नाप रही है। अंदाजा लगाओ किस जानवर के पैर के क्षेत्रफल निशान तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा, चर्चा करो। तो देखिए छोटे बच्चों के पैर का निशान एक बंदर के पैर के निशान के बराबर हो सकता है, और बड़े इंसान के हाथ पैर का निशान एक भालू के हाथ पैर के निशान के बराबर हो सकता है। तो ये अंदाजा है भाई, एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरह से तो नापने से पता चलेगा, पर